हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का ऊपर वाला ईयर स्पीकर अगर काम नहीं कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना फाइल का ऐप होता है ये वाला, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ना ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके फोन का ऊपर वाला जो ईयर स्पीकर है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण वो ठीक से काम नहीं करता है। ध्यान रखना है ईयर स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो उसके अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं और वो बिल्कुल खराब हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना है क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर ना, सर्विस सेंटर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल का ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए, ठीक है।